अजमेर के सिविल लाइंस थाने में न्यायालय के जरिए गगवाना निवासी भंवरलाल ने 2 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइंस थाने में तैनात एएसआई चांद सिंह ने बताया कि 27 सितंबर को न्यायालय के जरिए परिवादी गगवाना निवासी भंवरलाल ने शिकायत दर्ज कराई कि योगेंद्र सिंह गौरव सिंह द्वारा वैशाली नगर में किसी और का प्लॉट अपने नाम बताकर बेचने के लिए 2 लाख रुपये एडवांस ले लिए थे, लेकिन इस मामले में जब पूछताछ की तो यह प्लॉट उनका नहीं पाया गया। दोनों आरोपियों से जब पैसे वापस मांगे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस संबंध में न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कल दिनांक 27/9/21 को न्यायालय श्रीमान एसीजीएम नंबर 3 से एक इस्तगासा 156(3) के तहत परिवादी श्री भंवरलाल सनोक पारसमल यादव उम्र 52 साल निवासी गगवाना का थाना आजा पर प्राप्त हुआ, जिसमें उसने आरोप लगाया कि श्री योगेंद्र सिंह व गौरव चौधरी ने वैशाली नगर में कोई दूसरे का प्लॉट था जिसको अपना बता करके इनके नाम से एग्रीमेंट किया है और 2 लाख रुपये उन्होंने एडवांस भी ले लिए। प्राप्त परिवाद पर थाना जाकर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। आपका परिचय? चांद सिंह एएसआई।